नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ। एक यूट्यूब से बहुत दिन तक दूर था, इसके वजह से आप लोगों को शायद वीडियो भी देखने को नहीं मिला होगा मेरा बहुत दिनों से। तो ये इस साल का ये पहला ब्लॉग है मेरा, जो कि आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ आसाम का एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, जिसका नाम है गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जस्ट यहीं पर हैं अभी हम लोग। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट, जहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर जाके टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट वगैरह लेके फिर इस सेंचुरी को देखेंगे। और क्या खासियत है इस सेंचुरी का, और कौन कौन से जानवर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत रेयरली पाए जाते हैं, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। कीप वॉचिंग। ये है मेरे भैया, जो हम लोग तीन लोग जा रहे हैं अभी गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आयुष, तीन लोग जा रहे हैं हम लोग इस सेंचुरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है रास्ता यहाँ का, तो चलिए जाके देखते हैं अंदर। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं अभी जो गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके एंट्री गेट पे। ये है वो जगह जहाँ से आप लोगों को परमिशन लेके अंदर जाना होता है। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों के साथ जाएगा यहाँ से अंदर। कुछ मिनिमम चार्जेस लेंगे ये लोग, और चार्जेस लेके फिर आगे आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे। तो हम लोगों ने एक गार्ड लिया है अभी यहाँ से, तो उन्हीं के साथ जाएंगे अभी। और ये है वो जगह जहाँ से एंट्री होता है गिबन सेंचुरी पे। हम लोग का ट्रैकिंग शुरू हो गया है यहाँ पे गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। और हमारे साथ है दो गार्ड भैया। हेलो भैया। हेलो। और ये एक एक गनमैन है, देख सकते हैं आप लोग, और एक हम लोग के साथ गाइड है जो जा रहे हैं गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेंचुरी को एक्सप्लोर करने में। चलिए अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, नतुन के बनाया है रिपेयर ना। ये गार्ड रूम है जो फिर से रिपेयर हो रहा है इधर, तो मेंटेनेंस हो रहा है सभी चीज। और इस जो गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम कैसा पड़ा ये भैया से एक बार जानते हैं। एटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम के नहीं पड़े, मैंने गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपना इनका होले से इस बार गस आपन के देखी से। हां हां, इस बार हुलुंगस। हुलुंगस इस बार गस। अच्छा अच्छा, इस बार पाए नामकरण से हुलुंगा पर गिबन ओवर एंड, माने गस बाल हुलुंग। अच्छा, बंदर टू होल गिबन। अच्छा अच्छा, बंदर टू स्पीशीज होल गिबन। गिबन जक आमी होलो बंदर बोली क। अच्छा, ইংলিশ হল গিবন, অসমীয়াত হল হুলু বান্দর। আচ্ছা, কেনে হুলুঙা পার গিবন অভয়ারণ্য গছজোপা আর বান্দরটো। আচ্ছা, আর হুলুঙা পার মৌজাত অবস্থিত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেখানে হুলুঙা পার
জীবন অভয়ারণ্য আপনার প্রথমতে তো আপনার এখন ব্রিটিশ দিনের আপনার ফরেস্ট রিজার্ভ হিসাবে আসে আচ্ছা ফরেস্ট রিজার্ভ হিসাবে আসে 1997 সনের 30 জুলাই ডিক্লারেশন হয়েছে আপনার জীবন সেঞ্চুরি আচ্ছা সেঞ্চুরি হুলুঙ্গাপাড়ার জীবন সেঞ্চুরি আর গজবা যাবা তারপরে আপনার জীবনের মাটিকালি তো 20.9 স্কোয়ার কিলোমিটার জীবনের মাটিকালি আচ্ছা 20.98 স্কোয়ার কিলোমিটার জীবনের মাটিকালি তার আপনার পাঁচটা কম্পার্টমেন্ট পাঁচটা ভাগত ভাগ করে রেখেছে আপনার রেল সিটও আছে রেখেছে আপনার রেল সিটি জীবনে এক নম্বর দুই তিন চারি পাঁচ এনেকে পাঁচটা কম্পার্টমেন্ট আচ্ছা পাঁচটা কম্পার্টমেন্টের ভিতর জীবনের আপনার 26টা জীবনের পরিয়াল আছে আচ্ছা আর 106টা জীবন আছে এটা আমি কাউন্ট করেছো এতালকে লিস্ট তো অহা নাই আপনার লিস্ট মতে মই কৈছো আপনার 26টা পরিয়াল 106টা টোটাল জীবন আছে আর কথা কি আপনার 7টা প্রজাতি বান্দর পাওয়া যায় ইয়াত সাতটা প্রজাতি বান্দরের ভিতর এক নম্বরটা হল জীবন যাকে আমি হলু বান্দর বলে আচ্ছা আচ্ছা জীবন বান্দর কারণে বিখ্যাত তারপর আপনার স্তামতেল মাকাক বলে একটা বান্দর আছে যাকে আমি হেন্দুরিয়া বান্দর বলে কম ক্যাপলেঙ্গুর আছে টুপিমুড়িয়া বান্দর ফ্রিকটেল মাকাক গাহরি নিজিয়া বান্দর আসামিজ মাকাক অসমিয়া মুলুয়া বান্দর স্টোলরিস লাজুকি বান্দর আর রিসাস মাকাক মুলুয়া বান্দর সাতটা প্রজাতি বান্দর পাওয়া যায় তারপর আপনার পাঁচটা প্রজাতি স্কুয়েল পাওয়া যায় স্কুয়েল স্কুয়েল আচ্ছা এটা আছে আপনার মালাইন জায়ান্ট স্কুয়েল বলে এটা আছে অরেঞ্জ ভ্যালি অরেঞ্জ ভ্যালি ফ্লাইং আর ফাইভ স্টার আচ্ছা পাঁচটা পাঁচটা প্রজাতি আপনার তারপরে আপনার বিভিন্ন ধরনের সাপও পাওয়া যায় হাতিটো আছে আপনার পঞ্চাশ ষাটিটা হাতি আছে আচ্ছা পঞ্চল্লিশ পা পাঁচখন হাতি এনেকুৱালৈকে আপনার হাতি আছে তারপরে নাহপুটুকি বাঘ আছে আচ্ছা আপনার বনরিয়া গাহরি আছে ছাগলী পহু আছে কেটলা পহু আছে বনরু আছে গুই আছে বিভিন্ন ধরনের আর আপনার দেখিছে ধর এটাতো অকান খরাং হয়েছে খরাং হয়েছে কারণে জঙ্গলের পরিবেশটো ধুনিয়াই তথাপিও অল্প হেৰি হয়েছে পাত যেটা সরি যায় তো আপনার বারিষা জুন জুলাই মাহত ইয়ার একটা ভরপুর বহুত ধুনিয়া লাগে হাবি বহুত ধুনিয়া আপনার এদিন আসব দেখব জুন জুলাই মাহত যদি আপনাদের আহে না ইমানে একটা ধুনিয়া পরিবেশ পুরা গ্রিন হয়ে যাবে পুরা গ্রিন ইমান একটা সুন্দর পরিবেশ এখন আমি গৌরবান্বিত গৌরবান্বিত অসমত নহয় জানো তার যেটা যোরহাট জেলাত অবস্থিত সেটা একটা আমার ডাঙর গৌরব হ্যাঁ গতি সকল আহক চাওক যাক আমি বন মানুহ বুলি কওঁ হয় হয় তাক চাওকি আহক সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল হ্যাঁ ঠিক আছে বিভিন্ন সমস্যা যাওঁ যদি কোনোবাকে জীৱনটো একচুৱেলি জীৱনটো দুটা বজা আঢ়ৈটা বজাত শুই দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা কমেছো আবি একচুৱেলি হামলোক থৰে লেট হো গয়ে পহঁচনে মে ইসকে বাজে সে শায়দ দিখ যায় দেখতে হ্যাঁ এ আপনি এটো দেখা রেখো না না করছো আর जो हलक गिबन जो हलक एक पेड़ का नाम है जैसे कि गाइड ने बोला ये है हलक पेड़ हलक पेड़ नहीं है वो उसका नाम है फरेंग 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 अच्छा अच्छा ये अगरबत्ती का पेड़ अगरबत्ती का पेड़ अच्छा अच्छा तो ये हलक पेड़ बड़ा वाला अच्छा ये हलक पेड़ वो आगे वाला देखिए हाँ सो इसी में रहता है वो गिबन नाम का जो দেখতে হ্যাঁ দোপহর কাজ সময় ইসকে বাজে সে জানোয়ার বগেরা হো অন্দর চলে যাতে জাদা আর হন্ধ্যা আহে সগে না হয় এক বান্দর মিলা হে দেখনে কো তো উসি কো দেখনে যা রে হাম লোক দেখতে হ্যাঁ আগে যাকে कहाँ है कैपलेंगूर है ये कैपलेंगूर है हाँ ये कैपलेंगूर और ये ग्रुप में रहता है कैपलेंगूर ग्रुप में रहता है अच्छा कैपलेंगूर है ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है आप लोग जैसे देख सकते तो बहुत सारे इधर स्पेसिस के ये जो कैप लंगूर है ये देखने को मिलेगा बहुत बड़ा पूंछ है इनका देखिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये लग रहा है कैप लंगूर सो एट लास्ट हम लोग को देखने को मिल गया और जंगल में आप लोग जब भी आएंगे ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पे तो हमेशा याद रखें कि
धीमे धीमे बात कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे तो जो जानवर वगैरह है वो बाहर चले जाते हैं, डर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो आप लोगों को अगर देखना है तो बहुत धीमे धीमे बात करके और ध्यान रहे कि एक्सप्लोर ज़्यादा करना है, शोर शराबा नहीं। तो ये जंगल में कटहल जो श्याम कटहल का पेड़ है वो भी है यहाँ। जब हाँ बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे और जब फल वगैरह लगता है तो यहाँ गिबन वगैरह जो है जानवर और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वो लोग खाते हैं इसको। तो बहुत ही सुंदर एक बायोडाइवर्सिटी है यहाँ, जंगल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर एक बायोडाइवर्सिटी है, एक शांत सा माहौल है और बेस्ट टाइम क्या रहता है इधर आने का? एक्चुअली सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे ना? सुबह 7 बजे तक। अच्छा 7 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक बंद। 2 बजे तक बंद हो जाता है। अच्छा सो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ये खुला रहता है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, अगर जल्दी आ पाते तो बहुत सारा और स्पेसिस देखने को मिलता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सो हमारे साथ है दो एक गार्ड और एक गाइड। फिर से जंगल के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अगर स्पेसिस देखने को मिल जाए, पर दोपहर का समय है इसलिए उम्मीद कम है अभी, क्योंकि टाइमिंग रहता है सुबह दोपहर के समय ज़्यादातर जो स्पेसिस होते हैं गिबन वगैरह रेस्ट करते हैं, इसके वजह से लकीली अगर देखने को मिल जाए तो। देखिए कितना पुराना पेड़ और कितना बड़ा पेड़ है ये। तो एक गिबन देखने को मिला हम लोगों को। ज़ूम करिए पूरा। सो ये है गिबन, देखिए कितना थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी लोग पेड़ के ऊपर चले गए हैं अभी दोपहर का समय। अमी घर जेने धरने थाकू ठीक गिबन परियाल तो ठीक एक तेने धरने थाके एटा एटा एरियात एटा परियाल एटा फेमिली। গিবনৰ মতাটো হ'ল ক'লা, মাইকীজনী হ'ল বগা, দুটা দুটা কালাৰ। প্ৰথমতে আপোনাৰ আজি জন্ম হ'ল, জন্মহতে বগা, 3 মাহৰ পিছত তাৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ যায়, 3 মাহৰ পিছত ক'লা হয়। আচ্ছা প্ৰথমতে আজি জন্মহতে বগা, 3 মাহৰ পিছত ক'লা হয়। প্ৰথম সন্তানটো জন্ম হওঁতে হোৱা 3 বছৰ পিছতহে এটা সন্তান জন্ম হয়, গেপছ তেওঁলোকৰ 3 বছৰ
তিনি বছর পিছত যেতিয়া আপনা সেকেন্ড সন্তানটো জন্ম হবো সেকেন্ড সন্তানটো জন্ম হলে ঠিক একে ধরনের প্রথমতে বগা তারপর তিন মাহ পিছত কুলা যেটা সেকেন্ড সন্তানটো দুবছর হবো প্রথম সন্তানটো তিন বছর দুইটা মিলা যেটা প্রথম সন্তানটো পাঁচ বছর বয়স হবো পাঁচ বছর পিছতে ধরা পড়ে মতানে মাইকী যদি মতা হয় সি কুলা হয়ে থাকবে যদি মাইকী হয় লাই লাই রঙটা চেঞ্জ করি ব্রাউন হয়ে যায় ব্রাউন কালারে গুছ যাবে আর আট দশ বছর ঠিক দেখা হবো দেখা হয়ে ইফালে ইফালে ঘুরব মা বাপক বুক বাতরি যাব আকো নির্দিষ্ট সময় মা বাপক লগলে গুছি আইব মানে খাই বই ঘুরি গুছি আইব মানে যায় গেলে তেরি এটা এটা এরিয়া সার্চ করিব কারণে যায় আকো এজনী পরিয়াল মাজত তেহ সাংসারিক নয় বেলেগ এটা পরিয়াল পাহে বিয়া পাতে অন্য বান্ধৰ নিচিনা নহয় তিনি বছৰ মূৰে মূৰে সন্তান জন্ম আৰু লাইফ স্পেন কিমান আৰু কোনোদিন এতিয়ালৈকে মই এতিয়ালৈকে মই দেখা নাই মানে ডেড বডি আজিলৈকে পোৱা নাই আচ্ছা গছৰ ওপৰতে তেহেঁতৰ জন্ম মৃত্যু বিবাহ গছৰ ওপৰতে তাৰপিছত আপোনাৰ দিনটো তেহেঁতি 7:30 to 11:30 বা 10:30 ইমান টাইমত তেহেঁতি এবাৰ চাউণ্ড কৰে কল কৰে মানে আচ্ছা যেতিয়া কল কৰে তেহেঁতি এনজয় কৰে আচ্ছা আৰু ওখ কেনে বুলি ওখ গছতে চিঞৰে আৰু যেতিয়া চিঞৰে তেতিয়া মানে এইটো পৰিয়ালে যেতিয়া চিঞৰিব সিটো পৰিয়ালে চিঞৰিব এটা কাৰণে চিঞৰে তেতিয়া তেহেঁতি মানে এইটো মোৰ এৰিয়া সেইটো মোৰ এৰিয়া আচ্ছা তেহেঁতি সিটো সিটোক জাননী দিয়ে আচ্ছা এরিয়া মেইনটেনেন্স কৰি ৰাখে থাকে মানে তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালিটো জন্ম হ'ব জন্ম হওঁতে মানে আপোনাৰ গছৰ ওপৰতে জন্ম হ'ব তেতিয়া যেতিয়া জন্ম যিটো মুহূৰ্তত জন্ম হ'ব সেই মুহূৰ্তত অকণমান হাজবেণ্ডটোৱে সহায় কৰে আচ্ছা আচ্ছা মানে অলপমান ধৰা মেলা কৰি ঘপকে পৰি যাব পাৰেতো সেইকাৰণে অকণমান হাজবেণ্ডটোৱে সহায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো দেখি কিতনা আচ্ছা সে যে গাইড হে উনহনে एक्सप्लेन किया अगर आप लोग को किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि क्या बोला उन्होंने तो देखते आगे बढ़ते हैं और सो हम लोगों ने अभी ये एक्सप्लोर किया अभी क्योंकि दोपहर का समय इसी वजह से सारे चीज़ देखने को नहीं मिला पर आप लोग जब भी आएंगे सुबह के समय आइए बहुत सारा स्पेसिस वगैरह देखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा घूम के दोपहर के समय सभी लोग ऊपर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं एक्चुअली दोपहर के समय इसीलिए सो अभी हम लोग जंगल से निकल रहे हैं अभी और मक्खी बहुत बेसी ना जंगल बारिशा सीजन और मक्खी हम अच्छा अच्छा ठीक हाँ हाँ বাটারফ্লাই ও আচ্ছা 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 তো বারিশ কে সিজন মে আগে আপলোক আতে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো সাল খুলা রহতা হয় আর বারিশ কে সিজন মে আগে আপলোক জুন জুলাই আগস্ট জেসে মে আয়েঙ্গে তো বাটারফ্লাই আর বহু সারে বার্ড কে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্পেসিস ভি দেখনে কো মিলেগা বার্ড মিলেগা হ্যাঁ और पूरा अच्छा वो रेल है तो हाँ और ये है रेलवे ट्रैक जो गिबन के बीचों बीच निकल के जाती है और मेन लाइन है राजधानी जाता है राजधानी ना ये कहाँ जाता है ये दिल्ली टू गुवाहाटी अच्छा अच्छा डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ तीनसुकिया अच्छा 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 हाँ सो ये मेन रेल लाइन जो इधर से निकल जाता है जानवर लोग को दिक्कत होता होगा रेल लाइन की वजह से थोड़ा तो नहीं ऐसा हुआ नहीं हाथ स्लोली जाता है ना हाथी उठी नहीं लहर लहर कभी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ नहीं अच्छा अच्छा तो स्लोली जाता है रात को हाँ दिन में थोड़ा स्पीड जाता है लेकिन रात को स्लोली जाता स्लो जाता है ना अच्छा एक्चुअली आज हम लोग बहुत लकीली रहे कि दोपहर के समय भी अगर हम लोग पहुँचे थोड़ा लेट हो गए पर गिबन देखने को मिल गया सो थैंक यू टू गार्ड भैया एंड गाइड दोनों को जो हम लोगों को लेके आए यहाँ सो
हम लोग अभी एक्सप्लोर करके वापस आ गए हैं। सो बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र, और आप लोगों को पूरा ब्लॉग में जैसे कि हम लोगों ने दिखाया, लकीली गिबन भी देखने को मिल गए हम लोगों को। सो थैंक यू भैया दोनों, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया और बहुत सुंदर से बताया। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लविंग, थैंक यू।